युवा कांग्रेस द्वारा आज पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया गया है। युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राहुल गांधी की सभा में राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण को लेकर स्वयं के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसान कर्ज माफी न करने पर आकर अपने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का नाम ही बदल दिया है। वीडियो जो कि शिवराज सिंह चौहान के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, वीडियो सही और पूर्ण नहीं था, जिस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से पूरा और सही वीडियो का हवाला देते हुए पोस्ट किया है। अतः शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ झूठा वीडियो ट्वीट करने एवं राहुल गांधी की व्यक्ति छवि को खराब करने संबंधित विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर युवा कांग्रेस के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं चाइना से, उनसे मुठभेड़ में, तो कांग्रेस की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। आज जैसा कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो वीडियो एडिटेड हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं, उस पर कार्रवाई की गई भोपाल में। उसी तारतम्य में राहुल गांधी जी का एक वीडियो 2019 में, जिसको तोड़ मरोड़ कर तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया, ट्विटर अकाउंट पे चलाया गया, जिस पे दूसरे न्यूज़ चैनल ने और अखबारों ने उस पे प्रदर्शित किया कि इस तरीके का अधूरा वीडियो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा चलाया गया, जिसमें राहुल गांधी जी की इमेज को धूमिल करने का प्रयास जो लगातार बीजेपी करती आई है और हर अखबार ने उसको छापा भी है, उसी के लिए आज हम ये शिकायत दर्ज करने आए हैं कि शिवराज सिंह जी द्वारा राहुल गांधी जी की एक योजनाबद्ध तरीके से इमेज को खराब करने के लिए आधा अधूरा वीडियो पेश किया गया, और जिसमें यह बताया गया कि राहुल जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ही भूल गए हैं, जो कि सरासर गलत था। उस पे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से उसका स्पष्ट वीडियो भी पेश किया, लेकिन उसके बाद भी उस पे ना खेद व्यक्त किया गया, ना उस पे उस वीडियो को वापस लिया गया। तो जैसा कि पुलिस प्रशासन ने दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया एडिटेड वीडियो को लेकर, हमारी मांग ये है कि अच्छी कोशिश है कि इस तरीके के सोशल मीडिया पे प्रयास जो लोग करते हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।